हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर ने निर्माणाधीन अस्थायी कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। ऑक्सीजन प्रवाह के लिए तकनीकी इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने शुक्रवार सायं महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्टेशन रोड के परिसर में कोरोना मरीजों के लिए केरन द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने निर्माणाधीन अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्य, परिसर की सफाई, सिलेंडरों की उपलब्धता, आवश्यक उपकरण, पेयजल, पार्किंग, सिवरेज इत्यादि समस्त व्यवस्थाएं निर्धारित समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षात्मक उपाय जैसे अग्निशमन यंत्र इत्यादि के प्रबंध को कहा। उन्होंने कहा कि यहां भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए समस्त तकनीकी इंतजाम पूर्ण किया जाए एवं ऑक्सीजन फ्लो इत्यादि पर विशेष सतर्कता रखी जाए। गौरतलब है कि महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 10 आईसीयू, 10 बाईपैप आईसीयू एवं 80 ऑक्सीजन युक्त बेड सहित कुल 100 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। यहां ऑक्सीजन की आपूर्ति पाइपलाइनों के माध्यम से हाईपेड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए की जाएगी। यहां 6 अतिरिक्त इमरजेंसी बेड लगाए जाएंगे तथा बच्चों के लिए अलग से वार्ड का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहनदान रत्नो, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश विशोई, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आर के आसेरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बी एल मंसूरिया, तहसीलदार प्रेम सिंह सहित केरन के अधिकारी मौजूद रहे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।